हेलो डियर, आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। तो आज का वर्कशीट है, फोर्थ क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। यहाँ स्टूडेंट आपको अपने नेम लिखने हैं, यहाँ आपके क्लास टीचर्स के नेम, और ये डेट है आज 15 की। इस वर्कशीट में सबसे पहले आपको दिया गया है दो पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। यदि दो लाइन आपको इस तरीके से पैरेलल दिया गया है तो इसकी तीन मेन प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। पहला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। दूसरा, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं दोनों, जैसे एंगल वन और टू, ट्रांसवर्जल के सेम साइड के एंगल्स जो हैं, और को इंटीरियर होनी चाहिए। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 के इक्वल। ये फॉलो करनी चाहिए यदि दो लाइन पैरेलल है। तीसरा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, यदि ये एंगल ये ए है, थ्री है, तो एंगल टू का मेजरमेंट जो है एंगल थ्री के इक्वल होनी चाहिए। ये तीन खास प्रॉपर्टी हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच। आइए अब जानते हैं आज के वर्कशीट में जो आपका दिया है पैरेलल लाइन से रिलेटेड थियरम्स। पहले थियरम में आपका क्या दिया है, जो इफ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब यहाँ आपको पी क्यू और आर एस लाइन पैरेलल पहले से नहीं दिया है, क्या दिया है फिर? तो आपको पहले ये दिया है पी क्यू लाइन और आर एस लाइन जो है, पी क्यू लाइन और आर एस लाइन जो है, जो दो लाइन दी गई है, इसको एक ट्रांसवर्जल कट कर रहा है जिसका नाम है ए डी। ए डी लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है। तो जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल बात करूं मैं ए बी क्यू ये वाली एंगल, और बी सी एस एंगल जो है ये वाली, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में। इस दोनों के बाइसेक्टर हैं कौन कौन से लाइन, तो ये आपको ध्यान देना है। इस दोनों के बाइसेक्टर हैं बी ई और यहाँ है सी जी। तो एंगल वन की वैल्यू जो है एंगल टू के बराबर है, और एंगल थ्री की वैल्यू जो है एंगल फोर के इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है जो पी क्यू, यदि ये गिवन में है तो पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के पैरेलल है। तो अब आप क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले हम उन चीजों को लिखते हैं जो गिवन रहता है। तो गिवन में क्या लिखा गया है, ट्रांसवर्सल ए डी इंटरसेक्टिंग टू लाइन पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। और बी ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, ये बी ई, और यहाँ पे सी जी क्या है, एंगल बाइसेक्टर बी सी एस का। अब हमने यहाँ से क्या देखा, जो एंगल बाइसेक्टर हमें दिया गया है इसके थ्रू हमें हिंट मिला क्या, जो प्रूफ क्या करना है हमें, इस पी क्यू लाइन आर एस को पैरेलल शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो बी ई जो कि बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, इसमें आपने क्या देखा, यदि मैं बात करूं एंगल ए बी क्यू की, एंगल ए बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टू टाइम्स ऑफ एंगल वन, क्योंकि एंगल वन और एंगल दो इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से। सिमिलरली क्या है सी जी, सी जी जो है एंगल बाइसेक्टर है बी सी एस का, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ एंगल थ्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब क्या है बी ई और जो सी जी है, ये गिवन में पैरेलल दे रखा है आपको, तो ये यदि आपका पैरेलल है तो आप यहाँ ध्यान से देखो बी ई पैरेलल सी जी है, और इसके लिए ए डी जो है आपका वो एक ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है। तो ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है तो यहां से हम इसलिए क्या कह सकते हैं, एंगल वन जो है एंगल थ्री के इक्वल है। क्यों कह सकते हैं, यहाँ इक्वेशन वन सॉरी एंगल वन और एंगल थ्री क्यों कह सकते हैं यहाँ से इक्वल है, देखो एंगल वन यहाँ है एंगल थ्री यहाँ है, तो ये दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि सी जी पैरेलल है बी ई के। आइए तो नेक्स्ट में देखते हैं, तो एंगल वन यहाँ पे आपको क्या मिला, एंगल वन थ्री के इक्वल है। एंगल वन दोस्तों यहाँ पे थ्री के इक्वल है, और आपको क्या दे रखा है, यहाँ एंगल वन थ्री के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से, तो टू टाइम्स ऑफ एंगल वन और टू टाइम्स ऑफ एंगल थ्री, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल है, तो दोनों का ट्वाइस भी आपस में इक्वल होगा। तो आप यदि लिखोगे टू टाइम्स ऑफ एंगल वन इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ एंगल थ्री, तो टू टाइम्स ऑफ एंगल को मैं ये बोल सकता हूँ ना, ए बी सी जो है आपका क्या है, आपस में इक्वल है। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको पूछा गया है, इसमें दिया गया है जो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन देन द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। यानी अल्टरनेट आपसे पूछा ये जा रहा है, यदि दो लाइन आपके दिए हुए हैं और तीसरा ट्रांसवर्जल इसे कोई कट कर रहा है, मान लिया ये लाइन आपको पी क्यू है और ये वाली लाइन आर एस है, और ये एम एन लाइन है जो इसे
ट्रांसवर्स कर रहा है। इस पॉइंट को मान लेते हैं दोस्तों K और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम L। अब क्या दिया गया है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसके ट्रांसवर्जल है, जो क्या करता है इसे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है तो एंगल 4 है। इसका मतलब है एंगल 1 2 के इक्वल है, क्योंकि ये वाली लाइन, इसका नाम रख दो आप LD, LD, और इस वाली लाइन का नाम रख दो आप KC, ठीक है। तो LD और KC जो है बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 2 के बराबर है, यहां से कह सकते हो, और एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के बराबर। गिवन में सारी चीजें आप उसी तरह लिखो जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करके दिया हुआ है, जो PQ एंड RS बोथ लाइंस, देयर आर टू लाइंस व्हिच इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन MN, हियर इज द टू एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल व्हिच इज बाइसेक्टेड बाय DL एंड KC। इतनी चीज बस आपको लिख देनी है। अब टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में आपको लिखना है, जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, PQ पैरेलल टू RS है। अब आ जाते हैं प्रूफ पे, प्रूफ आपको कैसे करना है। तो प्रूफ क्या करना है, आपको जो ये वाली लाइन दी हुई थी, दो लाइन PQ RS, इसमें आपको एक ट्रांसवर्जल दिया था MN। तो आपको जो ये दो एंगल दी हुई थी, एंगल 1 और एंगल 2, और यहाँ एंगल 3 और एंगल 4, आप मुझे बताओ यहां से क्या एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा। तो आप बोलोगे यस। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि आपको जो ये मैंने पॉइंट बताया था KC, और ये जो पॉइंट बताया था आपको मैंने, यहां पे क्या था, D पॉइंट था, और यहां पे हम मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है आपका, I पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली ID जो है, तो एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है, और आपने क्या लिखा, एंगल 2 इक्वल्स 3। आपको ये लिखना है यहाँ पे, जो टू टाइम्स ऑफ एंगल 1 को आप क्या लिखोगे, टू टाइम्स ऑफ एंगल 2, सॉरी, टू टाइम्स ऑफ एंगल 2 को आप लिखोगे ये कंप्लीट एंगल, यानी पी आई और के, क्या लिखोगे, पी आई और के। और यही आपसे बोलूं, इस वाली पूरे एंगल को क्या लिखोगे, टू टाइम्स ऑफ एंगल 3, जिसे आप लिखोगे आई के एंड एस, ये वाली पूरी एंगल आई के एंड एस। अब बताओ यहां से एंगल 2 और एंगल आपस में इक्वल है, तो टू टाइम्स ऑफ एंगल 2 और टू टाइम्स ऑफ एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे, यानी हम यहां से कह सकते हैं पी आई के और आई के एस, एंगल जो है पी आई के और एंगल जो है आई के एस, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां से कह सकते हैं बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम जो है पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। यही चीज आपको प्रूफ करना है। वैसे मैं वीडियो के अंत में आपको इसका और दूसरे तरीके से सॉल्यूशन भी दे देता हूं, जिससे आप आसानी से कर पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट AB पैरेलल टू CD। आपको पता है दोस्तों, AB यदि CD के पैरेलल है तो ये जो एंगल है एक्स और वाई जो एंगल है आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यदि आपस में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो आप मुझे बताओ, यदि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 50 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 130। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे ये लीनियर पेयर है। यदि कोई लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर का एक ही मतलब बनता है, दोनों का सम 180, तो ये 50 तो ये हो गया 130। तो एक्स की वैल्यू 130 और वाई की भी वैल्यू क्या हो गई, 130। समझ गए, एक्स की भी वैल्यू 130 और वाई की भी वैल्यू 130। इस तरीके से आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।